हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हॉस्टल वायरिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। हॉस्टल वायरिंग के लिए फ्रेंड्स हम दो टू वे स्विच, टू वे स्विच में तीन टर्मिनल रहते हैं, ये दोनों टू वे स्विच है, और एक वन वे स्विच। वन वे स्विच में दो टर्मिनल रहते हैं फ्रेंड्स, और दो बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर में दो टर्मिनल रहते हैं, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, जिसमें से हमने फेज वाली वायर रेड कलर की और ब्लैक कलर वाली वायर न्यूट्रल के ही लगा लिए। और इसी में फ्रेंड्स जो इनपुट आएगा उसके थ्रू दूसरे होल्डर में हमने डायरेक्ट न्यूट्रल को कॉमन कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक से लूपिंग करके दूसरे में कनेक्ट कर लिया है, और दो बल्ब का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी हम वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक वायर लेंगे। इस वायर का एक एंड हम टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। और ये जो वायर है इसका दूसरा एंड हम दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक वायर और लेंगे। इस वायर का एक एंड हम टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा एंड दूसरे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम वन वे स्विच लेंगे। वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में रेड कलर की वायर कनेक्ट कर लेंगे, जो कि इसमें इनपुट पावर फेज वाली वायर, ये रेड कलर की वायर ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर का दूसरा एंड हम टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे, ये फ्रेंड्स जो पहले वायर लगी हुई है इसी के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक और वायर लेंगे रेड कलर की। इस वायर का एक एंड हम ये जो वन वे स्विच है इसके दूसरे जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। और इस वायर का दूसरा एंड हम टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमने स्विच में कनेक्शन कर लिए। इसके बाद हम बल्ब होल्डर वाली वायर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। ये बल्ब होल्डर न्यूट्रल वाली वायर डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, और जो फेज वाली वायर है फ्रेंड्स रेड कलर की उसको ये जो बल्ब होल्डर है इसकी फेज वाली वायर जो आउटपुट वायर जो फेज जाएगा स्विच से वो वाली वायर हम टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा बल्ब होल्डर है फ्रेंड्स उसकी फेज वाली वायर दूसरे टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें इनपुट फेज जो आएगा वो वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इनपुट फेज के लिए हम रेड कलर की वायर यूज करेंगे जो कि वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, ये जो वन वे स्विच है फ्रेंड्स इसके नीचे वाले टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने इनपुट फेज के लिए वायर कनेक्ट कर ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो स्विच है इनको सीधा कर लेते हैं। ये हमने स्विच को सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हम बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। और न्यूट्रल वाली वायर को न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे और फेज वाली वायर को फेज में, और इसकी पावर को ऑन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये जो वन वे स्विच है ये वार्डन रूम में रहता है। जैसे कि वार्डन चाहे तो सब ये जो दोनों बल्ब है इन दोनों को एक साथ ऑन कर सकता है इस स्विच को ऑन करके। ये देखिए ये दोनों स्विच अभी ऑन हो गए, और यहाँ से चाहे तो इसको ऑफ कर सकता है वार्डन चाहे तो, या फिर जो हॉस्टल है हॉस्टल में रूम के अंदर लगे है या फिर बेड के पास लगे वहां से इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये अलग अलग जो बल्ब है अलग अलग स्विच से ऑन ऑफ किया जाता है। इसमें टू वे स्विच का इस्तेमाल इसलिए किया है फ्रेंड्स, जैसे कि वार्डन इसको चाहे तो एक साथ सभी को ऑन ऑन करने के बाद ये चाहे तो यहाँ से बंद नहीं होगा, ये अभी बंद नहीं होगा जब तक यहाँ से वार्डन इसको जो वन वे स्विच है इसको ऑफ नहीं करेगा। जैसे इसको ऑफ कर देगा तो ये जैसे स्विच इसका ऑफ था तो ये बल्ब ऑफ हो गया, और ये वाला हम ऑफ कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं। इसको बेड के पास भी लगाते हैं या फिर रूम में एक ही बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं तो वहाँ एक ही बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं जब हम चाहे, और बीच में अगर वार्डन चाहे तो यहाँ से सभी बल्ब को जैसे कि अभी ऑफ है तो एक साथ सभी को ऑन कर सकता है। तो इसमें वन वन वे स्विच अगर लगाते हैं हम तो एक ये ऑफ नहीं होगा फ्रेंड्स, ये अगर दो टू वे स्विच की जगह हम वन वे स्विच लगा देंगे तो ये ऑफ नहीं होगा, इसलिए हम इसमें टू वे स्विच का इस्तेमाल किया है। देखिए ये जैसे कि ये ऑफ था तो वार्डन ने इसको ऑफ किया यहाँ से, तो ये हमारा जो बल्ब है हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जैसे कि हमने ऑफ कर दिए वार्डन चाहे तो सभी बल्ब एक साथ ऑन कर सकता है। ऐसी वायरिंग अगर हमको इसमें 10 बल्ब भी लगाने, 10 बल्ब की वायरिंग करनी, वैसी जो टू वे स्विच है वो बढ़ते जाएंगे और ऐसी सेम वायरिंग होती जाएगी फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।